नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज की क्लास में हम अपने एचपी जीके एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है मोनेस्ट्रीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। मैं आपको हिमाचल प्रदेश में मौजूद सभी मोनेस्ट्रीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस वीडियो में कराऊंगा, जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द फेमस की गोम्पा ऑफ लाहौल स्पीति इज सिचुएटेड एट। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जो की गोम्पा है ये लाहौल स्पीति के कौन सी जगह पर सिचुएटेड है। तो वैसे इस क्वेश्चन को चेंज करके भी पूछ सकते थे, अगर पूछते आपको ऑप्शन दे देते स्पीति, लाहौल, मंडी, चंबा, तो इस टाइप से अगर ऑप्शन दे देते तो आपका राइट आंसर होता स्पीति। जो ये की गुम्पा है ये स्पीति में सिचुएटेड है, मगर अगर प्रिसाइजली बोले कि स्पीति में भी कहाँ सिचुएटेड है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है काजा। तो काजा में आपका सिचुएटेड है की गुम्पा। लाहौल एंड स्पीति तो टोटल डिस्ट्रिक्ट होगी आपकी, मगर ऑप्शन में कभी का चेंज भी कर देता है, कभी लाहौल बोल देगा, स्पीति, मंडी, चंबा, चार ऑप्शन ऐसे दे देगा, तब आप स्पीति सिलेक्ट करोगे, मगर इसमें आपको काजा दे रखा था तो प्रिसाइजली तो स्पीति के काजा में जो की गुम्पा है वो पड़ता है। तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी काजा। तो जो की गुम्पा है ये लाहौल स्पीति के काजा जो जगह है वहाँ पर सिचुएटेड है। और एक क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से क्या बन सकता था, मतलब जो की गुम्पा है तो आपका जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बिगेस्ट या हाईएस्ट गोम्पा है वो है की गोम्पा। तो एग्जामिनर इस तरीके से पूछ सकता था कि हिमाचल प्रदेश का बिगेस्ट या फिर हाईएस्ट जो गोम्पा है उसका नाम क्या है, तो आपका राइट आंसर होगा की गोम्पा। तो ये हिमाचल प्रदेश का बिगेस्ट और हाईएस्ट गोम्पा भी है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मसंभा लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डैश मोनेस्ट्री इन लाहौल। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है जो पद्म संभवा थे, ये पद्म संभवा थे, इन्होंने 8वीं सेंचुरी में हिमाचल में जो बौद्ध धर्म था उसका प्रचार भी किया था। तो उन्होंने एक मोनेस्ट्री है उसकी फाउंडेशन रखी थी, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है गुरु घंटाल। तो जो गुरु घंटाल मोनेस्ट्री है जो कि लाहौल में पड़ती है, इसको बनवाया था पद्म संभवा ने। और एक चीज़ और है, जो ये गुरु घंटाल जो मोनेस्ट्री है फुल्ली वुडन से बनी है, यानी लकड़ी से बनी हुई है पूरी की पूरी। तो गुरु घंटाल मोनेस्ट्री को बनवाया है पद्म संभवा ने, तो इसका राइट आंसर है गुरु घंटाल मोनेस्ट्री। पद्म संभवा लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गुरु घंटाल मोनेस्ट्री इन लाहौल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इन विच टू प्लेसेस ऑफ कांगड़ा द रेमिनेंट्स ऑफ टू बुद्धिस्ट स्तूपास आर डिस्कवर्ड। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कांगड़ा की दो जगह कौन सी है जहाँ पर बुद्धिस्ट स्तंभ थे उनके रिमेन्स फाइंड हुए। रेमिनेंट्स का मतलब होता है जैसे कोई बड़ी चीज़ है उसमें से ज़्यादातर चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई मगर कुछ हिस्से रह गए, तो उसे हम रेमिनेंट्स बोलते हैं। तो बुद्धिस्ट स्तूपास थे वो कांगड़ा की कौन सी जगह पे पाए गए थे, उनके जो कुछ हिस्से बचे थे। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए चारी एंड चेत्रु। तो ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो एच ए एस नैब तहसीलदार वैसे एग्जाम में ही आएगा। तो आपका कांगड़ा के कौन से स्थान पर चारी और चेत्रु यहाँ पर बुद्धिस्ट स्तूपा के रिमेन्स फाइंड किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन गुरु घंटाल गुम्पा इज सिचुएटेड इन विच प्लेस। तो बोल रहा है जो गुरु घंटाल गुम्पा है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है लाहौल। पीछे हमने पढ़ा भी था, जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमने पढ़ा था कि जो पद्म संभवा थे उन्होंने गुरु घंटाल जो मोनेस्ट्री थी उसे बनाया था, और उसमें एक चीज़ वो भी बताई थी कि लाहौल में पड़ती है। तो लाहौल एंड स्पीति के भी अगर प्रिसाइजली बोले तो लाहौल में पड़ती है गुरु घंटाल गुम्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़नी है सारी चीज़ें, वैसे तो ये एमसीक्यू सीरीज़ है, तो मैं आपको इसकी जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सारी मोनेस्ट्रीज़ की डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप उसको पढ़ लेना। उसमें आपको सारी मोनेस्ट्रीज़ मिल जाएगी, वो कहाँ पड़ती है, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। बाकी ये एमसीक्यू सीरीज़ है तो हम एमसीक्यू आगे कैरी करते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है द हिस्टोरिकल ताबू मोनेस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड इन विच वैली। तो जो ताबू मोनेस्ट्री है ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह पे सिचुएटेड है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है स्पीति वैली। तो इसमें देखिए जैसे स्पीति वैली दे दिया, कुल्लू वैली, बल वैली, सांगला वैली, तो अगर आपको लाहौल एंड स्पीति दे देता तो लाहौल एंड स्पीति आपको सिलेक्ट करना है। अगर लाहौल अलग ऑप्शन है, स्पीति अलग है, फिर आपको कुल्लू दे दिया, फिर सांगला दे दिया, तब आपने स्पीति करना है, क्योंकि प्रिसाइजली ये स्पीति में पड़ता है। तो जो ताबू मोनेस्ट्री है कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है स्पीति वैली में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, जो ताबू मोनेस्ट्री है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री भी है, तो इस पॉइंट को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है मोनेस्ट्री,
तो ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री कौन सी है हिमाचल की? वो है ताबो मोनेस्ट्री। एक और चीज़ है जो एग्जाम में आ रखी है कई बार, अजंता ऑफ हिमालयस, ये किसे जाना जाता है? ये कहा जाता है ताबो मोनेस्ट्री को। तो जो अजंता ऑफ हिमालयस है ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ताबो मोनेस्ट्री को। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखा है कि किसे अजंता ऑफ हिमालयस कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ताबो मोनेस्ट्री। अजंता एंड एलोरा की आपने गुफाएं सुना होगी होगी, जो महाराष्ट्र में अजंता एंड एलोरा की गुफाएं। तो जो ये ताबो मोनेस्ट्री थोड़ी अजंता की तरह रिजेंबल करती है, तभी इसे अजंता ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है। तो ताबो मोनेस्ट्री को अजंता ऑफ हिमालयस कहा जाता है, और ये हिमाचल की सबसे ओल्डेस्ट जो मोनेस्ट्री है वो भी है। ये बनी थी 1996 AD में। तो ये पॉइंट याद रखने आपको, और ये पड़ती है स्पीति वैली में। आप भी हिमाचल प्रदेश सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मगर थोड़ा कंफ्यूज हैं कि तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो स्वागत आप सबका HP एग्जाम अफेयर्स। वी आर द लीडिंग टेस्ट प्रिपरेशन ब्रांड इन हिमाचल प्रदेश। हम 30 से भी ज्यादा एग्जाम्स का स्टडी मटेरियल इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज एंड सब्जेक्ट वाइज गाइड प्रोवाइड करते हैं। हमारे साथ जुड़े हजार से ज्यादा स्टूडेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर कर चुके हैं। अगर आप भी अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को आसान बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे तुरंत व्हाट्सएप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनरी बोम्पो मोनेस्ट्री इज सिचुएटेड इन। तो इस क्वेश्चन में पूछा जो मैनरी बोम्पो है ये कहाँ पड़ती है मोनेस्ट्री? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है कालाघाट सोलन। तो कालाघाट सोलन में है मैनरी बोम्पो मोनेस्ट्री। वैसे आपको पता ही होगा जो बौद्ध धर्म था उसका प्रचार ज़्यादा हायर हिमालयस में हुआ था, जैसे लाहौल स्पीति किन्नौर। तो जो निचले इलाके यानी लोअर हिमालयस वहाँ पर कम ही मोनेस्ट्रीज है, क्योंकि ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार ही नहीं हुआ था। तो जैसे कालाघाट सोलन है, सोलन लोअर हिमालयस में आते हैं, तो वहाँ कम ही मोनेस्ट्री है। तो एक दो ही मोनेस्ट्री मिलनी है आपको, तो तभी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैनरी बोम्पो जो मोनेस्ट्री कहाँ है? कालाघाट सोलन में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज की मोनेस्ट्री सिचुएटेड। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे की मोनेस्ट्री की, कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बिगेस्ट मोनेस्ट्री है, अगर बिगेस्ट बोल दो या हाईएस्ट, दोनों यही है, ठीक है? तो अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए तो की मोनेस्ट्री है। मगर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि की मोनेस्ट्री कहाँ सिचुएटेड है? तो मैंने आपको बताया था ये काजा में सिचुएटेड है, और काजा कहाँ है? ये है स्पीति में। तो स्पीति में आपका की मोनेस्ट्री सिचुएटेड है। यहाँ देख लीजिए आप, ऑप्शन में लाहौल भी दे रखा है, स्पीति भी दे रखा है। तो ऐसे याद नहीं करना कि लाहौल एंड स्पीति में, क्योंकि ऑप्शन में आपको यही मिलेगा ऐसे ही, इन लाहौल इन स्पीति इन किन्नौर, क्योंकि एग्जामिनर कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेगा। तो आपको पता होना चाहिए की मोनेस्ट्री आपकी स्पीति में है। एक मैंने आपको ताबू मोनेस्ट्री बताई थी, वो भी आपकी स्पीति में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन है, वेयर इज़ बरू साहिब गुरुद्वारा सिचुएटेड। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखा है, जो बरू साहिब गुरुद्वारा है ये कहाँ पर है? ये पड़ता है आपका सिरमौर में। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया बरू साहिब, ये पड़ता है सिरमौर में। वैसे मैं आपको बता दूँ जो HP GK बहुत ही ईजी है, अगर आप ढंग से पढ़ोगे चीज़ों को, ज़्यादा इसमें वास्ट नहीं है पढ़ने के लिए, सब कुछ लिमिटेड ही। अगर एक ही बुक आप कोई भी प्रिफर करते हो तो आप उसको अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो मोर देन सफिशियंट है। तो इतना कुछ है नहीं इसमें पढ़ने के लिए, बाकी चीज़ों को पढ़ते रहोगे तो अपने आप याद होगी। और ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ पढ़नी है आपको, हिमाचल GK भी पढ़नी पड़ेगी, इंडिया GK पढ़नी पड़ेगी, करंट अफेयर, क्योंकि एग्ज़ाम एग्ज़ाम में आपका सब कुछ ही आता है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ एक ही बुक आ रही है, तो हर चीज़ को बराबर टाइम देना है आपने। बाकी हिमाचल GK तो मैं कहूँगा सबसे ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको जैसे हिमाचल GK की डिस्क्रिप्टिव वीडियोज़ देखनी है, तो मैंने 40 वीडियो बना रखी है, वो आपको मेरे यहीं यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, इसको देख लेना आप। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने HP GK की। बाकी अब हम MCQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हमारे टोटल 30 लेक्चर होंगे, ये 9th लेक्चर है। तो MCQ से आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं जो आपने पढ़ा होगा। तो बाकी अब हम आगे करते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, कम ही क्वेश्चन है क्योंकि इस टॉपिक से। 9th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द रिमेन्स ऑफ एंशियंट बुद्धा स्तूपा हैज़ बिन अनअर्थ। तो ये क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था कि बुद्धिस्ट स्तंभ थे, उनके रिमेन्स कहाँ मिले थे? तो ये मिले थे चेत्रों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस ताबो मोनेस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग विच मटेरियल। तो मैंने आपको पीछे बताया था जो ताबो मोनेस्ट्री हिमाचल की सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है, जो 1996 AD में बनी थी, और इसे अजंता ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है, और ये स्पीति वैली में है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो ताबो मोनेस्ट्री है मेनली किस चीज़ से बनी है? तो ये मेनली बनी है मर्ड से, यानी कीचड़ से। तो ताबो मोनेस्ट्री आपकी मेनली बनी है कीचड़ से, मेनली फ्रॉम मर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन है, वेयर वॉज द गुरु घंटाल सेक्टर फाउंडेड। तो ये मैंने आपको अभी सेकंड क्वेश्चन कराया था, उसमें था गुरु घंटाल था, ये जो मिनिस्ट्री है पद्म संभव ने बनाई थी, और कहाँ बनाई थी? लाहौल एंड स्पीति में। तो इजी सा क्वेश्चन है। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं, पद्म संभवा हु वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म इन 8th सेंचुरी तिब्बत।
स्टेड फॉर सम टाइम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो मैंने आपको बताया था पद्म संभवत थे, इन्होंने 8वीं सेंचुरी में जो बुद्धिज्म था उसका प्रचार किया था। तो ये कुछ समय के लिए कहाँ पर रुके थे? ये रुके थे रिवाल्सर में। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है रिवाल्सर। पद्म संभवत कुछ समय समय के लिए आपके रिवाल्सर में रुके थे। चलिए 13th क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द गुरुद्वारास ऑफ पौंटा साहिब एंड रिवाल्सर आर कनेक्टेड टू विच सिख गुरु। तो जो गुरुद्वारे हैं पौंटा साहिब में और रिवाल्सर में किस सिख गुरु से रिलेटेड है? ये है गुरु गोविंद सिंह से। गुरु गोविंद सिंह से क्यों रिलेटेड है? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर कुछ समय रुके हैं पौंटा साहिब में भी और रिवाल्सर में भी, और जो दसम ग्रंथ था उनकी उसकी रचना भी उन्होंने पौंटा साहिब में की थी। तो जो गुरुद्वारे हैं पौंटा साहिब के और रिवाल्सर के वो किससे रिलेटेड है? वो है गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। साथ ही अगर हिमाचल प्रदेश में कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आऊँगा जिससे मैं आपके एग्ज़ाम की तैयारी को और भी आसान बना दूंगा। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब खैर, थैंक यू।